देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दोस्तों, आज सुबह दिल्ली के लगभग 2 करोड़ लोगों को आज रोड के दर्शन नहीं हुए। इंडिया गेट पर लिखे द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के नाम डूबने लगे हैं। रायसीना की पहाड़ियों पर पानी चढ़ाया है। बसों के अंदर स्विमिंग पूल की जबरिया सुविधा दी जा रही है। यमुना के आसपास के इलाके तलैया लेन बन चुके हैं। दिल्ली में नाव में बैठकर रिपोर्टिंग की जा रही है। दिल्ली चुल्लू भर पानी में डूब गई है। कुछ तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि दिल्ली दिल्ली नहीं बल्कि कोई समुद्र का किनारा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बेहतर स्कूल देने की बात करते हैं, लेकिन स्कूल तक जाना कैसे है उसकी बात नहीं करते। आज दिल्ली के लोगों ने अपने ऑफिस, घरों और दुकानों के सामने रिवर व्यू का मजा लिया है। ये मजा फ्री में लिया गया है। दिल्ली से आई इन तस्वीरों को आप फुल स्क्रीन पर देखिए, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं। डियर व्यूअर्स ऑफ दिल्ली, केजरीवाल इज बिजी विद पंजाब इलेक्शन एंड उत्तराखंड इलेक्शन। ही विल टेक केयर ऑफ दिल्ली फ्लड लेटर। सिंस देन एक्सेप्ट दिस। मेन नाला क्लियर करो ना, दो नंबर जीके वन का दो नंबर बी टू के सामने से जो नाला है वो नाला क्लियर करना चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। ये वो नाला का चेक कर दिया 2 फीट और यहाँ आ रहा है 10 फीट का पानी, तो कैसे जाएगा पानी? पूरा वही रुक जाती है, सारे कूड़ा खबरा उस नाले के अंदर फंस जाता है, फिर रुक जाता है पानी, ऊपर से जाना पड़ता है उन पानी को। ये देखिए देखिए क्या जा रही है, क्या जा रही है, गाड़ी डूब के जा रही है। ये देखिए क्या हालत है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसको। मैं फेसबुक पर डाल रहा हूँ इसको, धन्यवाद इसको एक्शन। अरविंद केजरीवाल के राज में यूं भी लगभग सब कुछ फ्री मिलता है, तो रिवर व्यू भी फ्री में मिला है। वैसे दोस्तों, फ्री में देने की बात करें तो अरविंद केजरीवाल बिजली बहुत फ्री में देते हैं। कोई इस बात पर यकीन करे या ना करे, लेकिन कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल IRS अधिकारी नहीं थे, बल्कि वो बिजली विभाग में कोई बड़े कर्मचारी या पावर हाउस के सुपरवाइजर थे, या बिजली से चलने वाले सरकारी ट्यूबवेल के संचालक थे, या कटिया डालने में माहिर थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बिजली के अलावा कुछ नहीं दिखता, ना महंगाई, ना पेट्रोल, ना डीजल, ना दूध, ना दवाई, ना रोजगार, ना अपराध, ना जनसंख्या, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना बरसात में बहती दिल्ली। दिखता है तो सिर्फ बिजली बिजली बिजली। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी गोवा गए हैं, वहां बिजली माफ कर रहे हैं। पंजाब गए थे, वहां बिजली माफ कर रहे थे। यूपी गए थे, वहां बिजली माफ कर रहे थे। उत्तराखंड गए, बिजली माफ कर रहे हैं। मतलब अंबानी भी इतने कॉन्फिडेंस से इंटरनेट फ्री होने की बात नहीं करते जितने कॉन्फिडेंस से अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली बांटते रहते हैं। आप बाइट बाइट के साथ इनका फ्री बिजली अभियान देखिए। दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं, उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो दोस्तों,
सीरियस बात है, अगर अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन का भरपूर फायदा ना उठाया होता, अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने ईमानदारी का भरपूर ड्रामा ना किया होता, अगर अरविंद केजरीवाल ने बाहरी लोगों के सामने हवाई चप्पलें पहनकर मीटिंग ना की होती, अगर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट ना बांटे होते, तो अरविंद केजरीवाल आज एक जोक होते। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे राजनीति को बदलने के लिए, लोगों ने उन पर भरोसा किया, और आज उनकी राजनीति क्या है? दे हैव टू सैक अ मिनिस्टर फॉर करप्शन, दे हैव टू सैक अ मिनिस्टर फॉर फ्रॉजरी, दे हैव टू सैक अ मिनिस्टर हु मेक रेसिस्ट कमेंट्स, दे हैव अ मिनिस्टर हु अब्यूजेस अ फीमेल न्यूज एंकर लाइव, दे हैव अ मिनिस्टर हु वाज कॉट इन सेक्स सीडी, दे हैव अ काउंसलर एक्यूज्ड ऑफ रायट्स। तो अरविंद केजरीवाल क्या चेंजेस लाए? अरविंद केजरीवाल करप्शन लेकर आए, अरविंद केजरीवाल फ्रॉजरी लेकर आए, अरविंद केजरीवाल रेसिज्म लेकर आए, अरविंद केजरीवाल महिलाओं पर घटिया टिप्पणी लेकर आए, अरविंद केजरीवाल सेक्स स्कैंडल तक लेकर आए, अरविंद केजरीवाल दंगे लेकर आए, और सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल देश की सेना पर भी सवाल लेकर आए। किस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है, और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहां बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहां तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलकर जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। दोस्तों ये रियल आम आदमी नहीं है, ये पॉलिटिकल आम आदमी है। दोस्तों नायक फिल्म की तरह ही एक दिन के CM है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि एक दिन के ड्रामा CM है। हर साल दिल्ली में हम यही तस्वीरें देखते हैं, लेकिन केजरीवाल जी को सिर्फ एक दिन ड्रामा कंपनी लेकर ड्रामा कार्यक्रम रखना होता है, तब देखिए इनकी एक्टिंग, इनका अंदाज, इनका रोल। प्लीज प्ले ऑन स्क्रीन एक्टर अरविंद केजरीवाल। हाल देखा है सर, साफ बहुत होते हैं सर, डेली देख लिए सर, सर अब सफाई तो करेगा सर, रोज साफ करते हैं सर। नीचे देख, रुक जा तू, ये रोज साफ होता है, ये रोज साफ होता है, ये साफ हुआ है, ये साफ हुआ है, ये साफ हुआ है। एक महीने अब मैं आपके सामने नहीं बोल तो सकता नहीं। बोलने लायक हो ही नहीं सर, क्या जो ये मिनिस्टर आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। ये आप लाइए, आपकी ड्यूटी ऑफ लाइक दिस। नो मैम, मुझे आपको अपना काम करना पड़ेगा, ये नहीं कर रहे आप अपना काम, आपको अपना काम करना पड़ेगा। जानना समझा इन लोगों को, किसी को नहीं कुछ नहीं देती आपकी बच्ची, और आपका ये एटीट्यूड है। चलिए चलो 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 पीछे। दोस्तों आज मैं अरविंद केजरीवाल को एक और मुद्दे पर एक्सपोज करूंगा। दोस्तों DTC बसेस के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब पूरी की पूरी 3,760 DTC बसों को ओवरएज घोषित कर दिया गया। दोस्तों 2014 में दिल्ली में 6,800 DTC बस हुआ करती थी, फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अगले 6 सालों में नई बसों को की फ्लीट शामिल करेंगे, और इसके बाद 2014 से लेकर आज तक किस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके राइट हैंड मैन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने क्या क्या झूठ बोला, साल दर साल झूठ की ये क्लिप्स देखिए। अलग अलग विशेषज्ञताओं वाली 10,000 बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी क्लस्टर योजना के तहत
निजी क्षेत्र से लाने का प्रस्ताव कर रही है। ट्रांसपोर्ट के अंदर 3000 नई बसेस खरीदने का प्रावधान है। 2019-20 से डीटीसी के बेड़े में 1000 नई बसें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ साथ क्लस्टर सेवा के तहत 1000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें सीएनजी बसें, 1000 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसें और 1000 लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसें शामिल करना शुरू किया जाएगा। इस तरह दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सरकार ने 4000 नई बसें सड़क पर लाने का काम शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 2485 नई बसें वर्ष 2020-21 के दौरान बेड़े में शामिल की जाएंगी और 1880 बसें जिसमें 444 डीटीसी और 1436 2021-22 में खरीदी जाएंगी। इस तरह 11000 बसों का बेड़ा बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में पहली बार करीब एक साल के अंदर 1600 बसों का फ्लीट, पहली बार इतना बड़ा एडिशन दिल्ली के बस फ्लीट में हुआ है। 1600 बसें लगभग एक साल के अंदर हो गई हैं और इस साल सितंबर तक इसमें 1000 और बसें जुड़ जाएंगी। इस साल 1000 बस और जुड़ने के बाद ये संख्या 7693 पहुंच जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि हम 11000 की फ्लीट दिल्ली में बसों की खरीद। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि बसों के लिए जो बजट अलॉट किया गया था वो बजट कहां है? अगर स्कैन नहीं है तो क्या है? अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के बढ़िया एक्टिंग करते हैं लेकिन उनकी दर्शकों आप और मुझ पर सीधा असर कर रही है। उनकी एक्टिंग आप पर और मुझ पर सीधा इंपैक्ट कर रही है। व्यूअर्स, आई ऑलवेज सेज दैट आई डू जर्नलिज्म ऑफ इंपैक्ट। और अगर किसी पॉलिटिकल आम आदमी की, साधारण आम आदमी पर कोई भी गलत प्रयास पड़ेगा उस पर तो मैं बोलूंगा। दोस्तों अरविंद केजरीवाल राजनीति के एक्टर, उनको राजनीति की एक्टिंग में महारत हासिल है। जैसे बॉलीवुड में एक्टर्स होते हैं, हॉलीवुड में एक्टर्स होते हैं, टॉलीवुड में एक्टर्स होते हैं, कोरियन मूवीज में एक्टर होते हैं, वैसे ही इंडियन पॉलिटिक्स के सुपरस्टार है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। सी यू टुमारो, गुड नाइट।